हेलो मीना जी, अगर आप लोग भी अपने नाम का गाना बनाना चाहते हो अपने एंड्राइड मोबाइल फोन में तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोग भी अपने नाम का गाना बना सकें। हेलो मीना जी, मैं आपके नाम का सुपर हिट एमबी3 गाना बनाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए मीना जी, आपके नाम का एमबी3 गाना कैसे बनाया जाता है हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। मीना जी, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए मीना नाम का एमबी3 गाना बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में, और जैसे क्रोम ब्राउजर में आ जाते हो आप लोगों को यहां पे सर्च करना होगा मीना नेम रिंगटोन, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। मीना नेम रिंगटोन जैसे सर्च कर देते हो तो आपको एक नया पेज पर ले आएगा। उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला को क्लिक करना होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो अपने नाम का गाना बनाने के लिए आप लोगों को ऊपर साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है नेम रिंगटोन्स का, आपको यहीं पे टच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नया साइट खुल जाएगा और नीचे साइड में आप लोगों को धीरे धीरे से स्क्रॉल करते हुए जाना होगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना नाम डालना होगा जिसके नाम से आप लोग गाना बनाना चाहते हो। आप लोग इसके नाम से यहाँ पे एंटर करना होगा उसका नाम, ठीक है। तो मैं मीना नाम से गाना बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ मीना। तो यहाँ पर मैंने मीना लिख दिए हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक तीर का निशान है छोटा सा, आप लोगों को यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए तो यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, और जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो मीना नाम का MP3 गाना आ जाएगा। नीचे साइड स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मीना का नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे मीना नेम रिंगटोन, और यहाँ पे आपको प्ले बटन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, प्ले बटन को ऑन करके अपने नाम का गाना एक बार सुन लेना है, और जैसे कि आपको पसंद आए तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर पसंद नहीं आता है तो अच्छा सा गाना बनाने के लिए, अपना फेवरेट गाना बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा कस्टमाइज दिस रिंगटोन पे। तो चलिए पहले गाना सुन लेते हैं। तो मीना जी, मुझे तो अच्छा नहीं लगा यह गाना, चलिए अच्छा सा गाना बनाते हैं। उसके लिए थोड़ा जैसे नीचे चलेंगे और सेटिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा कस्टमाइज दिस रिंगटोन पर। उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे प्लीज पिक अप द कॉल, और यहाँ पे अलार्म। तो आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना है क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो नाम तो रहने देना है आपको, या फिर आप नाम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टच करके आप यहाँ पे अपना सर नाम या कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे प्लीज पिक अप द कॉल आ रहा है, आपको इसे टच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 4-5 प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम समन इज कॉलिंग यू पे क्लिक कर लेते हैं दूसरे नंबर को। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ए बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर योर रिंगटोन, अपने नाम के साथ गाना जोड़ने के लिए आपको अलार्म को टच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं थीम म्यूजिक, और थीम म्यूजिक लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट रिंगटोन पे। जैसे ही क्रिएट रिंगटोन पे टच कर लेते हो तो यहाँ पे एक नया साइड आ जाएगा। उसके बाद नीचे साइड आपको जाना होगा और यहाँ पे आपके नाम का जो गाना है आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए एक बार प्ले करके सुन लेते हैं गाना कैसा है, अगर बेस्ट लगे तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मीना जी, आपको पसंद आया होगा यह रिंगटोन, तो उसके लिए आपको इसे डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए गाने को। तो उसके लिए आपको डाउनलोड MP3 का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही टच कर देते हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है देख सकते हो, ओपन करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। आप लोग ओपन करके अपने नाम का जो गाना है वो सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपने नाम का गाना लगा सकते हो।
तो मीना जी, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।